वैसे अगर मैं आपको बताऊं एक स्मार्टफोन के अंदर जितने सारे फीचर्स मिलते हैं वो सारे फीचर्स एक स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिले तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं, आपको मानना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये पॉसिबल हो चुका है। गाइस ये है DW89 अल्ट्रा 4G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसके अंदर आपको कैमरा देखने को मिलता है, कोई भी 4G सिम कार्ड लगा के ना कॉलिंग का मजा ले सकते हो, हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हो। आज के इस वीडियो पे ना इस स्मार्ट वॉच का प्रॉपर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। गाइस मेरा नाम है अनिमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो ना सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स पे आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगा, काफी स्लीक सा बॉक्स है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैप चढ़ा हुआ है। सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर से निकलता है वो देख लेते हैं, फिर इसके रिव्यू पर आते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके के बॉक्स में स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिल जाएगा, 4G नेटवर्क अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, इस तरीके का आपको डायल का इमेज बना हुआ है। 4G नेटवर्क, वाईफाई भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, 2.4 GHz का। इसके अंदर आपको प्ले स्टोर देखने को मिलता है, जिससे आप बहुत सारे एप्लीकेशन एंड गेम्स इस स्मार्ट वॉच के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। साइड से आप देख सकते हो यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है और बहुत ही स्लीक सा एक पतला सा बॉक्स आया हुआ है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फिल्म चढ़ा हुआ है, इसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच के लिए। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई कोई नया एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच का वीडियो लेकर के आओ, तो फाइनली आपके लिए मैं ये लेकर के आ चुका हूँ। चमचमाता हुआ आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग सा। चलो इसको रिमूव करते हैं। तो ये रहा गाइस, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या बॉक्स कंटेंट मिलते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे एक मिल जाता है यूजर मैनुअल, जिस पे अल्ट्रा वॉच लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ के यहाँ पे इसको जान सकते हो कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसके अंदर देख सकते हो गाइस ये बॉक्स कंटेंट मिलता है, और इसके साथ जो आपको ये कार्ड मिल रहा है ना, इस चाइनीज पे लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये वारंटी कार्ड है, हालांकि एक चाइनीज प्रोडक्ट है तो इंडिया पे आप इसका वारंटी क्लेम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ओशन बैंड, और ये आपका सिलिकॉन मटेरियल का बहुत ही सॉफ्ट सा बना हुआ है। ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर के लॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका जो आपको यहाँ पे बकल लॉक मिलता है ना, ये भी आपको यहाँ पे मेटल का देखने को मिल जाएगा। बहुत ही डिसेंट सा क्वालिटी का आपको इसका स्ट्रैप मिल जाएगा, और इसके साथ सिर्फ एक नहीं, इसके साथ आपको दो स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। एक आपको ओशन स्ट्रैप देखने को मिलेगा, और एक आपको यहाँ पे हमारा क्लासिक ब्लैक कलर का सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको यहाँ पे नजर आएगा। फिर इसके अंदर से निकलता है गाइस ये हमारा एक चार्जिंग केबल, जो आप किसी भी पावर बैंक पे, मोबाइल फोन के चार्जर पे, या लैपटॉप डेस्कटॉप किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। USB A देखने को मिलेगा। एंड लास्टली इसके अंदर हमें हमारा मेन एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा DW89 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का डायल, और इसके साथ ना आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से रिमूव कर देना है। तो चलो गाइस इस स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर लेते हैं इस ओशन बैंड को। यहाँ पे आपको एक ग्रूव देखने को मिलेगा, इस ग्रूव पे बस हमें इसे इंसर्ट कर देना है। डॉट वाला जो है ना, ये आपका बैक साइड की ओर रहेगा, और ये चिकना वाला जो एरिया है इसके फ्रंट साइड पे रहेगा। चलो शुरू करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। यहाँ पे आज आपको स्ट्रैप मिलता है ना, लेंथ आप देख सकते हो डिसेंट सा लेंथ है। तो अगर आपका पतला रिस्ट है या फिर अगर आपका मोटा रिस्ट है, आसानी से आप पहन सकते हो, आपको डिसेंट सफिशियंट सा यहाँ पे लेंथ देखने को मिलता है। इसके डायल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्क्रीन देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले देखने को मिलता है। साइड फ्रेम के बारे में बताओ तो ये आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल एप्पल वॉच की तरह स्पीकर को बस यहाँ पे डिजाइन दिया गया है, लेकिन इसका जो स्पीकर है, एक्चुअल स्पीकर, आपको फ्रंट साइड की और यहाँ पे बॉटम पे देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको दो बटन मिलते हैं, क्राउन बटन और पावर बटन। एक आपको माइक्रोफोन का होल देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच से आप कॉलिंग भी कर पाओगे। बैक साइड पे आएंगे, बैक साइड पे आपको रियल 4 स्क्रूज देखने को मिलते हैं ओरिजिनल एप्पल वॉच की तरह, और यहाँ पे आपको एक कैमरा का प्लेसमेंट दिया गया है। इसके साथ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, IP67 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको भिगाना। अल्ट्रा 49mm का आपको ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगा, म्यूजिक बजा सकते हो। इसके अंदर आपको GPS मिलता है, LTE यानी कि सिम कार्ड लगता है, हेल्थ डिटेक्शन एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इसका सेंसर यूनिट देखने को मिल जाता है, और साइड पे जो आपको ये मल्टीफंक्शनल बटन की तरह देखने को मिल रहा है ना, लेकिन इसके अंदर ये कोई बटन नहीं है, ये इसका 4G सिम कार्ड स्लॉट है। इसको आप इस तरीके से यहां से पुल आउट कर सकते हो, और इसके अंदर आप कोई भी अपना 4G सिम कार्ड लगा सकते हो, जियो, एयरटेल, कोई भी 4G सिम कार्ड लगाना, आप इसके अंदर लगा के हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हो। तो चलो गाइस अब हमारी स्मार्ट वॉच को पावर ऑन कर लेते हैं। तो इस पावर बटन को हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, और ये ऑन हो जाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपका एंड्रॉइड लिखा हुआ आ चुका है, ये फुल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसके अंदर आपका एंड्रॉइड 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच ना ऑन हो चुका है। शुरू टाइम पे काफी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली ये ऑन हो चुका है। सबसे पहले ना मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर आपको मिल जाता है 2.05 इंच का TFT डिस्प्ले, जो आता है 320x386 पिक्सल्स के साथ। डिस्प्ले क्लैरिटी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। आप फ्रंट से देख सकते हो, आपको बेजल्स एंड डिस्प्ले पे कोई डिफरेंस नहीं मिल जाएगा। फुल ब्लैक हाई रेजोल्यूशन आपको
इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करोगे ना तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की तरह यहाँ पे इसका एक नोटिफिकेशन पैनल या क्विक मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसके ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पे 41% बैटरी लेवल देख सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाएगा, फिर आपको ये जो ब्लू स्लाइडर मिल रहा है ना, इसका ब्राइटनेस कम ज्यादा करने का है। इस तरीके से आप इसको स्लाइड करके ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने फुल पे कर दिया है। आपको वाईफाई ऑन एंड ऑफ करने का स्विच मिल जाता है, इसको आप वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हो। ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ करने का फीचर मिलता है इस स्मार्ट वॉच के साथ ना। आप ब्लूटूथ हेडफोन्स, ब्लूटूथ TWS भी कनेक्ट कर सकते हो और म्यूजिक का मजा ले सकते हो। म्यूट अनम्यूट का आपको बटन मिल जाता है, आपको यहाँ पे डेटा ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिलता है, फिर आपको यहाँ पे 4G बटन मिल जाता है जिससे आप सिम कार्ड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बैटरी सेविंग मोड मिल जाता है, राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एयरप्लेन मोड मिल जाएगा। लोकेशन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, इसके अंदर आप साउंड को कम ज्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हो। सेटिंग्स पे जाओगे तो इसके अंदर आपका मीडिया साउंड, अलार्म साउंड, कॉलिंग साउंड सब इसको आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। फिर नीचे आपको जो 1:1 का रेशियो दिख रहा है ना इसकी स्क्रीन के, यहाँ पे जो आपको आइकन्स मिल रहे हैं उसका, फिर आप उसको प्रेस करोगे ना तो इसके अंदर आपको अलग अलग यहाँ पे स्टाइल में देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आपको 9 आइकन्स एक ही बार में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा फिर क्लिक कर दो तो वापस से आपका पुराने वाले स्टाइल पे आ जाएगा। टच का हर टच पे एक अलग सा एनिमेशन देखने को मिलता है, बड़ा ही स्मूथ सा। लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट पे भी कुछ नहीं हो रहा है, राइट स्वाइप करोगे तो इसका मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है। उससे पहले मैं आपको ना यहाँ पे इसके वॉच फेसेस दिखा देता हूँ। लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप ऐसे भी सेट कर सकते हो या फिर आप क्राउन बटन से सेट कर सकते हो। ये रहा, और हर क्राउन बटन को मूव करने पे ना एक बार आपको इस पे वाइब्रेशन फील होगा और बड़े ही HD क्वालिटी के आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन के वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे स्मूथ एनिमेशन के साथ। एंड इसके अंदर आपको टोटल 7 वॉच फेसेस मिलते हैं जिसके अंदर आप खुद का भी वॉलपेपर लगा सकते हो। तो चलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच को ना आपको वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप किसी भी आइकन पे लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो वो सेटिंग्स ओपन कर देगा। यहाँ पे मैंने वाईफाई को ऑन किया और बहुत ही क्विकली ना जितने भी अवेलेबल डिवाइसेस है उनको ये सर्च करेगा। तो मेरा जो वाईफाई लगा हुआ है फिलहाल वो आ चुका है। इस पे मैं क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करूंगा। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है गाइस, और कनेक्ट बटन पे क्लिक करते ही बहुत ही क्विकली ना ये हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। ऊपर में आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाएगा और सिम कार्ड वाला भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी सिम कार्ड हमने इंसर्ट करके नहीं रखा हुआ है। तो इसके अंदर ना गाइस आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। फोन के अंदर आप जाओगे ना तो फोन वाला प्रॉपर ऐप खुल जाता है। सिम कार्ड लगाओगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर डायलर से कॉल करके बात कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसेंट कॉल्स देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन है जिसके अंदर आप नंबर सेव कर सकते हो यहाँ पे किसी का भी, और अगर आप सिम कार्ड डालोगे तो सिम कार्ड के जो नंबर है या फिर ईमेल आईडी के वो भी इसके अंदर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। फिर सेटिंग्स का बटन मिल जाता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं जो वीडियो पे आगे आएंगे। ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है, अब हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से ना, ये रहा गूगल ओपन हो चुका है। अब आपको गूगल पे कुछ भी सर्च करना है तो आपको यहाँ पे सबका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकमेश, अपना चैनल का ही नाम लिखता हूँ, और इस पे ना कीबोर्ड बहुत ही स्मूथ मिल रहा है, स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कोई भी यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड मुझे कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो देखो गाइज यहाँ पे यूट्यूब का मेरा चैनल आ चुका है टेकमेश, यहाँ पे मेरा लोगो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी डाउनलोड्स भी कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन है, इमेज सेव कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, प्रॉपर आपको एक ब्राउजर देखने को मिलता है। आगे जाओ पीछे जाओ सब करना यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे इसके अंदर कुछ और ब्राउजर इंस्टॉल करना लाइक ओपेरा, गूगल क्रोम, वो करना भी पॉसिबल है जो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। फिर आपको कैलकुलेटर का फीचर मिलता है, किसको कितना उधारी चुकाना है, किससे कितना उधारी वापस लेना है, तो उसका पूरा यहाँ हिसाब आप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मैंने बता दिया। इसके अंदर आपको फिर एल्बम्स मिलता है, जो भी आप यहाँ पे फोटो या वीडियो शूट करोगे ना वो इसके अंदर आपको शो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है, या फिर आप इसके अंदर ना जो डाउनलोड करोगे इसके इनबिल्ट स्टोरेज पे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ यहाँ पे फोटोज पहले से देखने को मिल जाएंगे, ये रहा, काफी HD क्वालिटी का आपको यहाँ पे फोटोज भी देखने को मिलते हैं। एंड किसी भी फोटो पे ना आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो। बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है कि भाई फोटो को जूम कर सकते हैं कि नहीं, एग्जाम पे चीटिंग करना है, तो यहाँ पे ये करना पॉसिबल है। इस तरीके से आप जूम करके टेक्स्ट को क्लियरली देख सकते हो। फिर आपको मैसेजेस का ऑप्शन मिलता है, सिम कार्ड डालोगे तो इसके थ्रू आप मैसेज भी कर पाओगे। फिर आपको म्यूजिक का फीचर मिलता है, इसके इनबिल्ट स्टोरेज पे आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्ले भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टॉपवॉच का फीचर, स्टॉपवॉच यूज कर सकते हो। गूगल मैप्स का फीचर मिलता है, गूगल मैप्स के थ्रू ना आप इस पे प्रॉपरली नेविगेशन का मजा ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, ये एक हमारा मैप ओपन हो जाएगा। इस पर मैं सर्च कर लेता हूँ अपने सिटी का नेम, तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे अपना सिटी यहाँ पे आपको खोल के दिखा दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे नेविगेशन को ओपन करके नेविगेशन का भी मजा ले सकते हो। इसके अंदर जो आपको गूगल मैप्स मिलता है ना गाइस, इससे आप प्रॉपरली नेविगेशन, कहीं भी जाना है आपको, कहीं भी निकलना है आप यहाँ पे पूरा देख पाओगे। देखो मैं अपना एरिया पे यहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे अपना आसपास का एरिया पूरा यहाँ पे शो
कर रहा है। इस तरीके से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर है गूगल मैप्स का। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है वन क्लिक, ये क्लीन मास्टर की तरह है, उसको मैं अभी ओपन नहीं करने वाला हूँ। सुपर पावर सेविंग मोड मैंने आपको बता दिया, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। क्लॉक के अंदर आप इस पे अलार्म भी लगा सकते हो, इसके अंदर आपको अलार्म लगाने का फीचर भी देखने को मिल जाता है। वीडियो प्लेयर का ऑप्शन है, कुछ भी वीडियोज आप इस पे प्ले कर सकते हो, इनबिल्ट वीडियोज के साथ मिलता है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसी स्मार्ट वॉच के अंदर अगर आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल रखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। उसके अंदर आपको मिल जाता है टोटल 16 GB का इनबिल्ट स्टोरेज। तो कुछ भी वीडियो यहाँ पे आप डालोगे ना, उसका मजा आप यहाँ पे ले सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलता है, ऑन एंड ऑफ इस तरीके से कर सकते हो, इसके स्क्रीन पे आपको ग्लो करता है। साउंड रिकॉर्डर का फीचर मिलता है जिसके ऊपर आप साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। डिस्टेंस अभी मेरे स्मार्ट वॉच से मैं हूँ 20 cm के राउंड, और चलो दिखाता हूँ कैसा ये ऑडियो कैप्चर करता है। हाय गाइस, सो दिस इज अ माइक्रोफोन टेस्ट फॉर दिस स्मार्ट वॉच, और मैं इसे फिलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस स्मार्ट वॉच के अंदर, एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच के अंदर। और बिल्कुल सीक्रेटली आप इस तरीके से किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, कुछ स्पाई वर्क करना है ना, वो इस स्मार्ट वॉच पे करना पॉसिबल है। रिकॉर्डिंग सेव हो चुका है, मैं यहाँ पे आपको प्ले करके सुनाता हूँ। Hi guys, so this is a microphone test for this smartwatch, और मैं इसे फिलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस स्मार्टवॉच के अंदर, एंड्रॉइड स्मार्टवॉच के अंदर। और बिल्कुल सीक्रेटली आप इस तरीके से किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, कुछ स्पाई वर्क करना है ना, वो इस स्मार्टवॉच पे करना पॉसिबल है। इस तरीके का इस आपको बहुत ही लाउड इसके अंदर स्पीकर मिलता है, बहुत ही शार्प इसके अंदर आपको सेंसिटिव माइक्रोफोन मिलता है, जो आसानी से कुछ भी यहाँ पे ऑडियो को ना कैप्चर कर लेने वाला है। और देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिलता है। हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, जिसको ऑन करोगे तो इसका सेंसर ऑन हो जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा ना, ये सारे गिमिक फीचर्स रहते हैं, इनके रीडिंग पे बिल्कुल रिलाई मत करना, ये बस सॉफ्ट के लिए फीचर्स दिए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टाइल सेटिंग का ऑप्शन, जिसके अंदर आप थीम, स्टाइल, डायल इफेक्ट इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वॉक का फीचर मिलता है, वॉक के अंदर आप कितने स्टेप्स चलोगे वो आपको यहाँ पे रीडिंग देने वाला है, तो आपका फिटनेस रिलेटेड भी ये थोड़ा बहुत आपका हेल्प करने वाला है। व्हाट्सएप का फीचर मिलता है, इसके अंदर आप व्हाट्सएप चला सकते हो। व्हाट्सएप मैंने यहाँ पे लॉग इन कर नहीं रखा है, बस सिम कार्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लॉग इन कर लूंगा तो ये व्हाट्सएप भी चलने लगेगा। कैमरा का फीचर मिलता है, जिसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में डिटेल में। देखो यहाँ पे इसका कैमरा ओपन हो गया है। तो गाइस, प्ले स्टोर यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। देखो यहाँ पे ना आप कोई भी यहाँ पे गेम्स एंड एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे मन करे, जैसे कैंडी क्रश हो गया या फिर जो भी आपको गेम इंस्टॉल करना है, सबवे सर्फर, सब मैं आपको एक अलग से वीडियो पे टेस्ट करके दिखाऊंगा। एप्लीकेशंस के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर यूजफुल एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक लाइट है, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप मैसेंजर, शेयरमी, यूट्यूब किड्स, जो भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है ना, इसके प्रॉपर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर पाओगे। सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर फाइल्स के अंदर ना आपको यहाँ पे इसका जो भी आप इसका फाइल मैनेजर पे रखोगे, लाइक फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फेसबुक मिल जाता है, फेसबुक लॉग इन करोगे, फेसबुक चला सकते हो, अपना यहाँ पे मैसेजिंग कर सकते हो। फिर इसके अंदर गाइस आपको इंस्टाग्राम भी मिलता है, इंस्टाग्राम भी आप अपना लॉग इन करके यहाँ पे इंस्टाग्राम भी चला सकते हो। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, जिसके भी थ्रू आप लॉग इन करना चाहोगे, लॉग इन करके आप यहाँ पे इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, जो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पे दिखा दूंगा। इसके साथ टिकटॉक आता है, लेकिन टिकटॉक इसके अंदर ना आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा, लॉग इन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया पे टिकटॉक बैन है, आपको पता होगा। एंड गाइस, इसके अंदर आप जितने भी एप्लीकेशन ऑन करोगे तो वो बैकग्राउंड पे जो रन करता है ना, उसको अगर आपको क्लियर करना है, रैम करना है, तो इसके पावर बटन को आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से दो बार यहाँ पे प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशंस के नाम देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप इस तरीके से स्लाइड करके भी रिमूव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डस्टबिन का जो बटन है, इस बटन से एक ही बार में सारे मेमोरी को क्लीन कर सकते हो। देखो इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा, आपका बैटरी भी बचने वाला है और आपका स्मार्टफोन ज्यादा स्मूथ वर्क करेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट का आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा, जिससे आप वाईफाई ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, मोबाइल नेटवर्क यानी कि सिम कार्ड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, हॉटस्पॉट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप एज अ वाईफाई बना सकते हो। इस पर आप हॉटस्पॉट ऑन कर दोगे और इससे जो नेट निकलेगा ना, वो आप अपने मोबाइल फोन पे कनेक्ट करके उस पर यूज कर पाओगे। सिंपल लैंग्वेज पे आपको बता रहा हूँ। ब्लूटूथ का फीचर मिलता है, ब्लूटूथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेस को। डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस देख सकते हो, मैंने 99 पे कर रखा है। स्लीप यहाँ पे 30 सेकंड्स के बाद ऑटो इसका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, जितना आपको करने का मन है आप कर सकते हो, जितने स्मार्टफोन पे मिलते हैं। फिर आपको क्राउन बटन रिलेटेड कुछ यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। एडवांस के अंदर आप यहाँ पे फोन साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो, तो अगर आपको छोटा स्क्रीन लग रहा है ना, तो आप बड़े कर सकते हो और आसानी से इस पे ना हर टेक्स्ट आपको यहाँ पे लार्जर फील होगा, बड़ा फील होगा, या फिर अगर आपको स्मॉल करना है, मीडियम करना है, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। मैं इसको लार्ज पे रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिख पाए। देखो इस तरीके से रेज वेक स्क्रीन ऑन का फीचर मिलता है, यानी कि जब आप स्मार्ट वॉच को इस तरीके से फ्लिप करते हो, डिस्प्ले ऑन होता है, वो फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। साउंड के अंदर ना आप इस पे मीडिया वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, वाइब्रेशन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर सकते हो, इसके अंदर आप रिंगटोन्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे इसके अंदर आपको कुछ कुछ रिंगटोन्स ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। तो
इसके साथ आपको ऑलरेडी बहुत सारे रिंगटोन्स मिलते हैं, या फिर आप कुछ डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज से उनको भी रिंगटोन लगा सकते हो। फिर नीचे आपको मिल जाता है डिवाइस सिक्योरिटी का ऑप्शन। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको स्क्रीन लॉक का फीचर मिलता है, क्योंकि एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, इसके अंदर आप अपने फोटोज, वीडियोस, नंबर सब कुछ रखने वाले हो, तो यहाँ पे पासवर्ड लॉक लगा लोगे ना कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपका फुल ये सिक्योर डिवाइस होने वाला है। फिर नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, कोई भी अपडेट आएगा ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है करेंटली लेटेस्ट वर्जन है, देखो वही यहाँ पे लिख करके आ चुका है। गूगल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप गूगल जो आपने लॉग इन कर रखा है उस प्रोफाइल को आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। देखो मैंने अपना जीमेल एड्रेस यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, तो यहाँ पे मैं उसको पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ अपने गूगल प्रोफाइल को। मोर सेटिंग्स के अंदर चलोगे ना तो यहाँ पे बैटरी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 22% फिलहाल बचा हुआ है और 34 मिनट्स का ये बैकअप देने वाला है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है 900 mAh का बैटरी, जिसको आप फुल चार्ज करोगे ना और तो आसानी से आपका 3 से 4 दिन तक का बैकअप इसके अंदर देखने को मिलेगा नॉर्मल यूजेज पे। और अगर आप बहुत ही हैवी यूज कर रहे हो ना तो आपको इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 6 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, जो एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग बैकअप है। हालांकि मैं इसका 15 डेज रिव्यू या 1 मंथ रिव्यू लाऊंगा ना, तो उसके ऊपर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि मेरे यूजेज पे ये कितना मुझे बैटरी बैकअप निकाल के दे पा रहा है। सिस्टम के अंदर आपको इस स्मार्ट वॉच के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप अबाउट वॉच के अंदर जाकर के पूरा इसका देख सकते हो, लाइक एंड्रॉइड वर्जन, रैम 1GB इसके अंदर आपको मिल जाता है, इसलिए बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है, IMEI नंबर सब कुछ आपको इसको देखने को मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको ना इसका कैमरा फीचर दिखाता हूं यूज करके कैसा है इसका कैमरा। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फिल्म चढ़ा हुआ है, इसको मैं रिमूव नहीं करने वाला हूं, प्रोटेक्टिव फिल्म है, हालांकि आप रिमूव करोगे तो और अच्छा फोटो आने वाला है। तो यहां पे कैमरे को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैमरे पे क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो कैमरे पे चलेंगे और ये रहा इसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ, ये सेव हो गया इसके इंटरनल स्टोरेज पे, और चाहोगे तो आप इस पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ और एक यहाँ पे मैं प्रॉप लेके आ चुका हूँ। तो देखो गाइज, ये एक है मैग्नेटिक कंपास जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो पे, बी रोल्स पे शॉट करने के लिए, या फिर जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो एक एस्थेटिकली अच्छा लुक देता है डेस्क पे, तो इसको मैंने ऑनलाइन परचेज कर रखा था। तो चलो देखते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, कैसा ऑडियो आया चेक करते हैं। तो देखो गाइस, काफ़ी फास्ट क्लिक कर रहा है, काफ़ी फास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, बंद हो रहा है, सब हो रहा है, कोई भी आपको इसके यूज़र इंटरफेस पे लैग नहीं मिलेगा। 1GB का रैम है, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इसके अंदर। प्ले करते हैं और देखते हैं ऑडियो क्लैरिटी और इसका वीडियो क्लैरिटी कैसा मिलता है। जो मैं यूज करता हूँ अपने वीडियो पे, बी रोल्स पे शॉट करने के लिए, या फिर जब वीडियोस बनाता हूँ तो एक एस्थेटिकली अच्छा लुक देता है डेस्क पे, तो इसको मैंने ऑनलाइन परचेज कर रखा था। तो चलो देखते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, कैसा ऑडियो आया। तो इसके अंदर गाइस आपने देखा बहुत ही क्लियर ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहा। अभी मैं इंडोर लाइटिंग पे आपको ये वीडियो सैंपल मैंने दिखाया, चलो कुछ सैंपल्स मैं आपको आउटडोर का दिखाता हूँ, आगे आप सैंपल्स देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का गाइस आपको इसका कैमरा क्लैरिटी मिलेगा। मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है डिसेंट लाइटिंग पे, के अंदर आपको बहुत ही डिसेंट सा एक कैमरा क्लैरिटी मिलता है। और कैमरे को इतने स्मार्टली हाइड किया गया है ना गाइस, जब इसको आप पीछे इस तरीके से करके पहनोगे ना, इसका जब वॉच फेस देखने को मिलेगा तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि एक आपका स्मार्टफोन की तरह इसके अंदर फीचर्स है। एक कैमरा है जिसको आप स्पाई कैमरा की तरह यूज कर सकते हो वीडियो शूट करने के लिए किसी एरिया पे, जैसे फोन्स को बाहर सबमिट कर लेते हैं ना, तो आप स्मार्ट वॉच के अंदर सीक्रेटली वीडियोस बना सकते हो, फोटोज बना खींच सकते हो और ऑडियो भी कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना घटाना है ना, तो आप क्राउन बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो इसका वॉल्यूम स्लाइडर आ जाता है, उसके बाद इसको आप इस तरीके से क्राउन बटन से घुमा के कम ज्यादा कर सकते हो। तो फुल कर देते हैं, फुल कर दिया मैंने, और यहां पे गेम को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2-3 लेवल खेला है, तो वो चलते हैं यहां पे 4th लेवल पे, और गेम आप देखो कैसा है। मैं यहां पे रोटेट करूंगा ना तो यहां पे आपको सेंसर भी वर्क होता हुआ नजर आएगा, देखो ये रहा। मैं फिर से आपको खेल के दिखाता हूँ, इसके अंदर गाइस YouTube भी आपको देखने को मिल जाता है। तो YouTube के अंदर ना आप अपने फेवरेट वीडियोस का मजा ले सकते हो, जब भी आपको कोई वीडियोस देखना हो, म्यूजिक देखना हो, सब देख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना चैनल ही ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस मेरा चैनल ओपन हो चुका है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, देखते हैं कितने मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे ये चलता है। अपने कार के इंटीरियर को क्लीन करने के लिए काफी टाइम से एक वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए सोच रहे हो, और आप इतने सारे देखो यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो, कमेंट्स पढ़ भी सकते हो, सब आप यहाँ पे कर पाओगे। फुल स्क्रीन करना है आसानी से इस बटन से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसे करोगे
तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। देखो फुल स्क्रीन हो गया, वीडियो रेजोल्यूशन दिखाता हूँ मैक्सिमम। तो क्वालिटी यहाँ पे मैक्सिमम आप 1080 पिक्सल्स तक प्ले कर सकते हो, यानी कि फुल एचडी वीडियोस इस स्मार्ट वॉच के अंदर काफी अच्छे तरीके से चलते हैं। बॉक्स के साइड पर जाएंगे तो हमें क्या क्या बॉक्स पे आपको बॉक्स कंटेंट मिलता है वो मेंशन किया गया है, जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अदर साइड पर आ जाएंगे, अदर साइड पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर पॉइंट लिखा हुआ हाई कैपेसिटी, सेकंड पॉइंट देख सकते हो हाई सक्शन, इसके अंदर आप। तो इसी तरीके से गाइज आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के सारे वीडियोस को देख सकते हो अपने स्मार्ट वॉच के अंदर। एक फुल फंक्शनिंग आपको ये स्मार्ट वॉच मिल रहा है। अगर आपको स्मार्टफोन घर पे नहीं दिया जा रहा है, अगर आप एक बच्चे हो तो आप ना इस स्मार्ट वॉच को ले सकते हो। सिम कार्ड है इसके अंदर, कैमरा है इसके अंदर, वेब ब्राउजिंग है, यूट्यूब चला सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसके अंदर ना आप बैंकिंग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके क्यूआर कोड पेमेंट भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। डबल प्रेस करोगे ना क्राउन बटन को तो इसका मेन्यू स्टाइल चेंज होता रहता है। डबल प्रेस मैंने किया, ये रहा इसका कुछ इस तरीके से डबल वाला लिस्ट वाला आइकन आ गया। फिर डबल प्रेस करो, ये रहा ये वाला आ गया स्क्रॉल वाला। फिर यहाँ पे डबल प्रेस करोगे तो इसका यहाँ पे एक सर्कल वाला मिल जाएगा, जिसको इस तरीके से आप क्राउन से कर सकते हो मूव। एंड इसके अंदर ना आपको बहुत ही हायर रिफ्रेश रेट का स्क्रीन देखने को मिलता है, एक अल्ट्रा स्मूथनेस आपको फील होगा। देखो कहीं भी कोई इसका यूआई पे लैग आपको फील नहीं होगा। 1GB का रैम है, 16GB का स्टोरेज है, आपको इस पे ना कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलने वाला। देखो कितना ज़्यादा स्मूथ इसका एनिमेशन आ रहा है। देखो फिर ये वाला हनीकॉम्ब वाला जो एप्पल वॉच पे रहता है, इस पे भी बहुत स्मूथ जूम इन जूम आउट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर डबल प्रेस करते हैं तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड वापस से बैक टू द फर्स्ट वन। यानी कि इसके अंदर आपको टोटल 5 मेन्यू स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो आपको बहुत ही अमेजिंग सा यहाँ पे एक नया नया सा फील देगा हर दिन इससे पहनने में। और इसका ना वेट आपको ज्यादा, जितने फीचर्स दिए गए आपको लगेगा कि ये स्मार्ट वॉच बल्कि है, बट ये सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम्स का वेट है इस स्मार्ट वॉच का। तो बहुत ही लाइट वेट का आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगा। एंड इस स्मार्ट वॉच पे गाइस आपको रेस्ट टू वेक का फीचर भी मिलता है हर स्मार्ट वॉच की तरह। तो बस स्क्रीन को फ्लिप करोगे तो इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा और आपको यहाँ पे टाइम वाइम ये सब देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार इसके बटन को प्रेस करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए, बस आप यहाँ पे स्मार्ट वॉच को फ्लिप करो तो आपका ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो गाइस इसी स्मार्ट वॉच के अंदर ना मैंने सिम कार्ड डाल दिया है, और अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 4G वोल्टेज देखने को मिल जाएगा ऊपर। और इसके अंदर मैंने जियो का एक 4G सिम कार्ड डाल रखा है। 4G वाले बटन को दबाऊंगा तो हमारा सिम कार्ड यहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर आप अपने स्मार्ट वॉच को वाईफाई के थ्रू यूज कर पाओगे। और अगर आपको अपने सिम कार्ड को ऑन करना है, कॉलिंग करना है बिल्कुल एक मोबाइल फोन की तरह, तो 4G बटन को ऑन रखना ताकि आपका सिम कार्ड यहाँ पे एक्टिवेटेड रहे। और जब आप इसके अंदर सिम कार्ड डालोगे ना पहली बार, तो इसके अंदर ना आपको नेटवर्क शो होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो उसके बाद करना क्या पड़ेगा ना, मैंने भी इसे रिस्टार्ट किया और इसके अंदर फिर नेटवर्क आने लग गया। तो उसी तरीके से सिम कार्ड डालने के बाद एक बार अपने स्मार्ट वॉच को ऑफ करके ऑन कर लेना या रिबूट कर लेना, और आपका यहाँ पे नेटवर्क शो होने लगेगा। फिर आप मोबाइल डेटा के थ्रू आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट इस डिवाइस पे इंटरनेट चला पाओगे, आपको किसी भी वाईफाई पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सो गाइस ये था DW89 अल्ट्रा 4G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच का फुल अनबॉक्सिंग एंड इन डेप्थ रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया और ये मजा मैं आप सबको देना चाहता हूँ। इस स्मार्ट वॉच को आप परचेज कर सकते हो एक्सक्लूसिवली जोन अल्फा की वेबसाइट से, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर और कमेंट सेक्शन में पिन देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर के इस स्मार्ट वॉच को आप परचेज कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ना तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको इस स्मार्ट वॉच का वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।